गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे रिसेंटली एक वीडियो में कमेंट आया था कि मैं ये DJI का माइक 2 यूज करता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो बेसिकली ये मैंने खरीदा था कुछ टाइम पहले ही। लिटरली बताता हूँ, ये माइक एक प्रीमियम माइक है और जो आता भी एक अच्छे प्राइस पे, लेकिन इसमें इतने फीचर है जो इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो करते हैं स्टार्ट इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइज करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। ये आता है सबसे पहले पाउच, खोलते ही आता है इसका केस। केस में देखो कितना प्यारा सा केस है, बिल्कुल सॉलिड बिल्ड क्वालिटी लगती है। यहाँ पे आप इसको अपने सी टाइप से इजीली चार्ज कर सकते हो। और देखो यहाँ पे आता है आपका इंडिकेटर्स, बेसिकली जैसे ही आप इसे खोलोगे आपको बता देगा कितने आपकी बैटरी परसेंटेज भी बचा है। बेसिकली चार इंडिकेटर्स है, आप एक मान लो एक कम से डेढ़ घंटे का आराम से बैटरी कम दे देता होगा। तो आप मैंने जो इसे मैक्सिमम यूज़ किया है, मैंने 6 घंटे इसे नॉन स्टॉप यूज़ किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में देखो खोलते ही आपको मिल जाती है इसमें दो रिसीवर एक ट्रांसमीटर। दो रिसीवर देखो इस टाइप के हैं, तो बहुत सारे अच्छी क्वालिटी है। पहले आपको बताया ना DJI माइक ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जो पहला वाला था उसको वो पहले ट्रांसपेरेंट नहीं था, लेकिन हाँ इसका डिज़ाइन अच्छा लगता है। साथ में मैग्नेट मिल जाता है, अगर आपको बेसिक नहीं दिखाना इजीली आप ये शर्ट पे टक इन कर सकते हो। उसके बाद ये आ जाता है आपका मेन ट्रांसमीटर। देखो जैसे ही मैंने इसे बाहर निकाला है दोनों अपने आप कनेक्ट हो गए, सॉरी, और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है पता लगता है। देखो दोनों ही में अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, आपको पता ही होगा ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है, DJI माइक बंद में नहीं आता था। तो जैसे ही सिंपल है, जैसे ही मैं इसे एक बार क्लिक करूंगा, तो देखो इससे जो अपना पहला वाला रिसीवर है उससे नॉइस कैंसिलेशन हट चुकी है, अभी नॉर्मल मोड पे चल रहा है। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा वापस से नॉइस कैंसिलेशन चालू, ठीक है। अब दिखाता हूं इसमें और आपको साथ में मिल जाते हैं दो कनेक्टर। अगर आपको देखो फ़ोन में इजीली कनेक्ट करना है इसे, तो आप डायरेक्ट प्लग इन प्ले करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फालतू ब्लूटूथ का सोचना नहीं है ना। और ये अगर सी टाइप वाला फ़ोन है तो सी टाइप के लिए दे रखा है। साथ में अगर आपको उसे करना है कैमरे से कनेक्ट, तो देखो आपको क्या मिल जाता है इसमें, साथ मिल जाती है आपको ये केबल। इस केबल के थ्रू आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो कैमरे से। और इसमें सबसे अच्छी बात बताऊंगा मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैमरे के लिए इसमें प्रीसेट्स मिलते हैं बहुत सारे। इसमें आपके ये दो आ गए जिससे आपकी इजीली नॉइस कैंसिलेशन और ज़्यादा बेटर बढ़ जाएगी, तो फूफा की आवाज़ कम आएगी। और साथ में लास्ट में मिलते हैं इसमें साथ में मिल जाती है केबल, ये चार्जिंग के लिए या आपको कंप्यूटर को डेटा निकालना होगा और इससे बेसिकली कनेक्ट करना होगा। तो सीधा आपको दिखाते हैं अब इसके ट्रांसमीटर के सेटिंग्स। गाइस इसमें छोटी सी OLED स्क्रीन मिल जाती है, बहुत ही ब्राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको इवन धूप में भी इसे ऑपरेट करने में। अब इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे पहले इसमें रिसीवर सेटिंग्स आती है, देन इसमें आता है आपका ट्रांसमीटर सेटिंग्स, देन इसकी बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग देख लेते हैं आप, ब्राइटनेस कितनी बढ़ाना चाहते हो एंड ऑल ऊपर करोगे बाद में। उसके बाद आपका लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में आप यूज़ करना चाहते हो, देन डेट एंड टाइम। और ये अगर आपको फैक्ट्री सेट वगैरह करना है, अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सेकंड इसका वर्जन से आप ये चेक कर सकते हो कि जो अभी करेंटली फर्मवेयर वर्जन इसमें चल रहा है, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो आपकी अभी भी आपका अपडेटेड है या नहीं। अगर आपको अपडेट करना है तो इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करो, इजीली आप अपडेट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी रिसीवर सेटिंग्स। रिसीवर सेटिंग्स में सबसे पहले आता है मोनो और स्टीरियो चेक करना। अगर आप मोनो उस पर हो तो अगर आप इसे मोनो सेफ्टी पे कर देते हो, मोनो सेफ्टी बेसिकली क्या होता है कि आपको जो लेफ्ट वाली आवाज़ है लेफ्ट वाली उस पर ज़्यादा डेसिबल में चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होंगी कंपेयर टू राइट वाली। अगर आप इसे स्टीरियो कर देते हो तो आप अपनी लेफ्ट राइट एल जो भी मन हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। मोनो में आप देखो दोनों सेलेक्ट कर रखे होते हैं, मतलब आपकी लेफ्ट और राइट में दोनों में ही सेम ऑडियो रिकॉर्ड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें आपके रिकमेंडेड कैमरा सेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप इसे कैमरा में कनेक्ट करते हो, तो जैसे मैंने अभी कर रखा है कैनन में पे EOS का M50 Mark II है, तो कैनन का जो ये फेमस मॉडल है काफ़ी, तो फेमस मॉडल में जितने भी लगभग फेमस मॉडल्स है उसमें आप यहाँ ब्रांड में जाके सोनी निकॉन जो भी हो आपका आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा कैनन है तो मैंने कैनन सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद बहुत सारे मॉडल्स हम रहे इसमें जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप एक बार कर लेते हो तो उससे फ़ायदा ये रहता है आपके ट्रांसमीटर की सेटिंग से वो अपने आप उसी कैमरे के हिसाब से सेव हो जाती है। हाँ मेरा मॉडल कहाँ गया, जैसे मेरा अभी EOS M50 Mark II सेट है, मैंने सेट कर दिया। अभी इसने मेरी सारी मेरे जो भी मैं इसे कैमरे के साथ यूज़ करता हूँ तो मुझे कोई और सेटिंग्स करने की नीड होती है। अगला आ जाता है आपका रिसीवर गेन। बेसिकली आप चाहते हो कि आपका बेसिकली जो माइक रिकॉर्ड करेगा वो किस डेसिबल पे करे, तो आप इसे किसी अपने हिसाब से कर सकते हो। बेसिकली रिकमेंडेड है आप 5 dB के आसपास रखो, मैं तो रखता ही हूँ उसे, लेकिन अभी मैंने कैमरे के हिसाब से करा। बेसिकली रिसीवर गेन पे आप अपने इजीली सेटिंग कर सकते हो आप कितना चाहते हो। अगला आ जाता है इसमें वॉल्यूम। बेसिकली क्या होता है कि आप अपने कैमरे के साथ यूज़ कर रहे हो तो इस जगह से आप इसे अपना आउटपुट सुन सकते हो कि जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो सही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, तो आप वहाँ पे इसकी वॉल्यूम सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया अगर पावर ऑन ऑफ, ये साइमल्टेनियसली अगर आप समझ लो अपना इस चीज़ को कैमरा ऑफ करते हो तो ये भी ऑफ हो जाए। और यहाँ पे बेसिकली वही पावर ऑन की सेटिंग्स और लिंक डिवाइस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका
ट्रांसमीटर सेटिंग। लोकर बेसिकली बेस्ट सेटिंग कह सकते हैं, क्यों समझ लो कोई भी आपके जैसे आप जब भी माइक यूज करते हो तो फूं फां थोड़ी पंखे की छोटी मोटी आवाज, ये बेसिकली नॉइस कैंसिलेशन के टाइम पे चलता है, जो भी एक्स्ट्रा आवाज आ रही होती है लोकर से हट जाती है। फिर रादर ट्रांसमीटर गेन, आप बेसिकली दोनों उसमें से कितनी अपनी पहले रिसीवर से और सेकंड रिसीवर से कितना डेसिबल पे आप की आवाज चाहते हो या यहाँ से भी सेट कर सकते हो ट्रांसमीटर के थ्रू। अगला आ गया आपका 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग। बेसिकली मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो इसके रिसीवर्स है इसमें खुद की 8 GB की दोनों की अलग अलग मेमोरी है, वो इसलिए क्योंकि वो बेसिकली एक उस चीज में दे रखा है, कभी बार अगर आप भूल गए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है या और कुछ तो बेसिकली आप उस पर भी रिकॉर्ड होता रहे। तो 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग पे अगर आप ऑन रखो हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड होगी तो आपको ये वाली प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं कि आप जो बेसिकली माइक से कर रहे हो ये कर रहे हो बीच में आपकी कुछ भी बीच में हल्की सी भी डिस्टर्बेंसी आ रही है, नहीं परफेक्टली आवाज आएगी अगर आपने 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग ऑन रखा है तो। ठीक है, सेकंड आ गई आप इसे रिकॉर्डिंग स्टॉप लॉक वगैरह इस तरीके से स्टॉप लॉक वगैरह वो कर सकते हो। और इसमें और स्टोरेज की सेटिंग यहाँ पे आपको बता देगा कितने घंटे बेसिकली दोनों आपने दोनों ही बेसिकली रिसीवर्स में कितने घंटे की अभी तक ऑडियो रिकॉर्ड की है, और मैंने एक भी नहीं की तो मेरे पे 0-0 दिखा रहा है। अगला है एलईडी इंडिकेटर। एलईडी इंडिकेटर बेसिकली क्या है कि समझ लो जैसे ये रिसीवर है, रिसीवर में अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो उसकी एलईडी ऑफ हो जाएगी, मैं कुछ भी करूँ या कुछ इंडिकेशन नहीं देगा विद एलईडी, ऐसे ऑन कर देता हूँ तो बेसिकली ऑन हो जाती है। बेसिकली इस चीज़ के लिए नेक्स्ट सेटिंग्स मैंने आपको बताई दी है। बेसिकली इसमें आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो और जगह नहीं मिलते आप। सो बेसिकली गाइस ये मैंने खरीदा था तब, मुझे जहाँ तक याद है मैंने 40 कुछ का खरीदा था या 39 ऐसे कुछ का खरीदा था, अभी 38 का चल रहा है, मैंने रिसेंटली देखा था। तो बेसिकली मैं इसकी अमेजन का लिंक डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आपको ये क्यों खरीदना चाहिए या इतना आपको रोड टू पे क्यों नहीं जाना चाहिए, देखो इसमें क्या है, सबसे पहले कंपैटिबिलिटी। आपको अगर फ़ोन से कनेक्ट करना है, कैमरे से कनेक्ट करना है, अपने एंड्रॉयड से कनेक्ट करना है, मिनटों में होता है। आईफोन एंड्रॉयड में मैंने सब पे टेस्ट कर रखा है, कैमरे पे भी मिनटों में हो जाता है, कैमरा सेटिंग्स की कोई नीड नहीं है, बेसिक सेटिंग्स इतनी परफेक्टली इसमें आती हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आने ही वाली, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद क्या है इसमें, सबसे पहले क्या आता है, समझ लो आप पॉडकास्ट करना चाहते हो, पॉडकास्ट में आपको होता है दो रिसीवर चाहिए ही होते हैं। रिसीवर क्या होता है कि समझ लो आपकी जिस बेसिकली कैमरा पे या कोई भी फ़ोन पे जिस पे भी आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो उसमें बेसिकली कुछ करप्शन आ जाती है, कुछ भी आपकी वीडियो करप्ट हो जाए तो आपकी ऑडियो तो पूरी गई, लेकिन अगर इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन होगी और 32 बिट जो मैंने आपको बताया था वो ऑन होगा तो उससे एक फ़ायदा तो आपको क्या होगा कि आपको ऑडियो की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, आपकी ऑडियो रिकॉर्डेड कहीं ना कहीं तो है तो आपको बैकअप ऑडियो मिल जाती है जिससे आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसकी क्वालिटी मैं इतना मानता हूँ कि ये जितना प्राइस ये ले रही है कंपनी आई थिंक 38,000 के करीब तो उसे जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसमें है इसमें इतनी सेटिंग्स दे रखी है, इतनी सेटिंग्स दे रखी है, लिटरली आप इसे टॉप नॉच आवाज़ निकाल सकते हो। और आपको पता है इसमें कुछ EQ सेटिंग्स करके कुछ वीडियोज़ भी है मैंने देखी थी, उसमें क्या है कि कुछ आप इसकी कुछ और क्रिस्प साउंड डाल के इसको और बेटर बना सकते हो। मैंने अभी इतना करा तो है नहीं, लेकिन हाँ मैं कुछ वीडियोज़ में आगे ट्राई करूँगा जिसमें मैं EQ सेटिंग्स ऑन करके और इसमें आराम से इसमें थोड़ा क्रिस्प साउंड लाऊंगा जिससे आपको मेरी जैसे मैं ऑब्वियसली मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं अपने घर पर शूट कर रहा हूँ, आपको थोड़ी स्टूडियो वाली आवाज़ आएगी जिसमें बेस थोड़ा बड़ा हुआ रहेगा एंड ऑल। सो गाइज अगर कुछ भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आपको पूछना हो किसी सेटिंग्स के रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ भी और पूछना हो तो बताते रहो, मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टेक प्रोडक्ट की चाहिए हो तो। ऐसे तो मेरा आपको पता ही है मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, बेसिकली मेरा व्लॉगिंग चैनल है और साथ में मैं ये छोटी मोटी इन्फो देता रहता हूँ। मिलते हैं गाइस तब तक के लिए, बाय बाय, सी यू टाटा, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो।